मेरी वेबसाइट ने आपको नानी याद दिला दी? अब समझ आया? उसे देखकर बाकी की आंखें खुली की खुली रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर की नसें बाहर आ गई हों। और इसे समझना बहुत ही आसान है। मानिए कि आप अपने दाएं हाथ पर मारते हैं, फिर उस दर्द को कम करने के लिए बाएं हाथ पर मारते हैं। यूजीरो हनमा भी बिल्कुल वही कर रहा था। उसकी आंखें बाहर आ गई थी। उसने अपने दांत जकड़ लिए, पहले अपनी मुट्ठी कसकर बंद की और फिर धीरे धीरे खोली। उसने अपने हाथ बिल्कुल कड़क कर लिए थे, फिर अगले ही सेकंड रिलैक्स हो गया। उसके पैर भी बिल्कुल कड़क थे, लेकिन वो उन्हें मूव कर सकता था। उसका पेट अंदर हो गया, हिप्स भी कड़क हो गए। उसने अपनी छाती कस ली, बैक टाइट कर ली। बाहर से उसकी बॉडी टाइट थी, पर अंदर से वो फ्लेक्सिबल था। इसका मतलब बॉडी कड़क होने के बावजूद उसका हर मसल फाइबर, बॉडी को लूज करने में जो दर्द हुआ उससे स्किन का दर्द गायब हो गया और बस कुछ ही देर में वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। इन्हें मारने के बाद दर्द क्यों नहीं हो रहा? क्या लगा इस बच्चों वाले हमले से तुम मुझे दर्द दे पाओगे? अपना हर कदम उठाने से पहले एक बार सोचो कि तुम किससे मुकाबला करने की गलती कर बैठे। मारो मुझे, चलो ले लो अपनी मां की मौत का बदला। मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मैं बदला लेकर रहूंगा। उस रात पहली बार बाकी फाइटिंग पोज में नजर आया। मेरा एक हाथ खुला है और एक हाथ बंद, लेकिन डैड के दोनों हाथ खुले हैं। मैंने अपनी पोजीशन ले ली। हाँ, लेकिन मैंने ये पोजीशन अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूर होकर ली है, और मुझे मजबूर करने वाले आप ही हैं डैड। ये हुई ना बात, याद रहे बाकी, इस बार मुझे मारने में अपनी पूरी जान लगा देना।